हेलो गाइस, सो स्वागत है आपका कायो ट्यूटोरियल्स में। सो आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो आपने यहाँ पर देखा है कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में OHE इंस्पेक्शन कार ऑलमोस्ट मॉडल कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बाकी है वो हम यहाँ पर मॉडल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम यहाँ पर एक पेंटोग्राफ मॉडल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ, टॉप व्यू में जाकर एक बॉक्स ले लेता हूँ। सो यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। सो स्लाइटली इसे ऊपर शफल कर लेता हूँ, ये साइड में आएगा आपका, ये बराबर है। थोड़ा सा इसे पीछे शफल करता हूँ। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और एजेस में जाता हूँ। और इसके एजेस को स्लाइटली अंदर की ओर थोड़ा शफल कर लेता हूँ, इस तरह से। सो इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसको स्लाइटली इंसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इंसेट करके इसे हल्का सा एक्सट्रूड करता हूँ नेगेटिव एक्सेस में, और इसे ओके कर लेता हूँ। एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो इसकी एजेस सेलेक्ट करके हल्का सा अंदर की ओर शफल करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है हमें। सो साइड व्यू में जाकर यहाँ से मैं एक लाइन टूल लेता हूँ। स्प्लाइन में जाकर एक लाइन टूल यहाँ पर इस तरह से डिफाइन करता हूँ, और रेंडरिंग में जाकर इसे एनेबलिंग व्यू पोर्ट करके इसकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। सो इसके वर्टाइसेस मैं यहाँ तक प्लेस कर लेता हूँ। अब ये व्यू में जाता हूँ और यहाँ से एक और लाइन लेता हूँ, एनेबलिंग व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ, और इस तरह से एक शेप में डिफाइन कर लेता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से फिलेट कर देता हूँ, इस तरह से एनेबलिंग व्यू पोर्ट कर लेता हूँ। और ई प्रेस करके इसे स्लाइटली मैं रोटेट कर लेता हूँ, ये एरिया में थोड़ा सा। सो हल्का सा यहाँ से इस तरह से रोटेशन रखेंगे, इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो कम कर सकते हैं। हल्की से थिकनेस और थोड़ी कम करेंगे इसकी यहाँ पर। अब यहाँ पर जाता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ। सो ये एरिया में यहाँ पर एक सिलेंडर मैं रिक्रिएट कर लेता हूँ, इस तरह से। सिलेंडर को इसके अंदर यहाँ से इंटरसेक्ट करेंगे, और इसकी जो हाइट है वो एक पॉजिटिव एक्सेस में पुट ऑन कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से। सो ये सिलेंडर से ही कनेक्टेड ही आपका मेन पेंटोग्राफ एरिया रहेगा। सो एक लाइन लेता हूँ फिर से। सो एक और लाइन मैं इस तरह से यहाँ तक कनेक्ट करता हूँ, और इसकी जो रेडियस है वो कम कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा कम करूँगा, और इसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। मॉडलिंग में जाएंगे, एक स्विफ्ट लूप में सो यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप असाइन कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके और इसे एक्सट्रूड करता हूँ बाय पॉलीगन्स और थोड़ा सा इसे इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है वो बढ़ा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें बनानी है, डेफिनेटली कुछ और डिटेल्स है। एक लाइन लेता हूँ और एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, और स्लाइटली इसको एक ऊपर मैंने एक शेप डिफाइन किया। एनेबल इन व्यू पोर्ट करके इसे मैं रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। सो इसकी जो लेंथ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन टूल से यहाँ पर हमने एक शेप क्रिएट किया है, रेक्टेंगुलर किया और थोड़ा सा इसका यहाँ पर लेंथ और विड्थ थोड़ा कम कर लेंगे और इसको इस तरह से ये साइड में आपको जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना है आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हो। बट एडजस्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको रोटेट अप कर लेता हूँ, इसको ग्रुप कर लेता हूँ यहाँ से मैं पहले और हायरार्की में जाकर इसका जो पिवट पॉइंट है जहाँ से ये ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होता है वो पिवट पॉइंट में यहाँ पर शफल कर लेता हूँ और टॉप व्यू से थोड़ा सा इसे आपको जितना रोटेट करना आप उतना यहाँ से आप इसको इजीली रोटेट करवा सकते हैं। इसके बॉटम पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, सो डेफिनेटली ये ग्रुप किया। आप इसको ओपन भी कर सकते हो ग्रुप को या फिर इसको आप अनग्रुप कर सकते हो यहाँ से, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। और स्लाइटली इसे मैं यहाँ से ऐसे करके एक्सट्रूड कर देता हूँ तो ये एरिया हमारा यहाँ पर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों एलिमेंट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और इसे मैं वाई एक्सिस में कॉपी कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से शफल कर लेता हूँ और इसको मैं ये एरिया में यहाँ से ऐसे करके प्लेस कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्रिएट करना है वो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। सो ये पार्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक बार ये साइड व्यू में आता हूँ, एक लाइन टूल लेता हूँ फिर से और एक लाइन टूल लेने के बाद मैं एक लाइन टूल इस तरह से क्रिएट करके रेक्टेंगल में जाता हूँ और इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी लेंथ पे और थोड़ी सी विड्थ पे हल्का सा काम करेंगे। सो आप थोड़ी सी लेंथ और विड्थ इसकी इंक्रीज कर सकते हो। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर इसके वर्टाइसेस स्केल कर लेता हूँ यहाँ से। ज़रूर आप एक बार फाइल भी सेव करिए यहाँ पर। सो यहाँ पर जाने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर शफल कर लेता हूँ। शफल करने के बाद ये जो पार्ट रहेगा ये डेफिनेटली आपका हल्का सा आगे रहेगा, ये पार्ट ऐसे रहेगा। एक और लाइन टूल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक लाइन टूल इस तरह से मैं क्रिएट अप करता हूँ सो लाइन टूल में जाकर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसके वर्टाइसेस थोड़े से अंदर की ओर शफल करता हूँ, पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड करता हूँ और इसे मैं आर प्रेस करके इसे स्केल कर लेता हूँ। ये जो पार्ट रहेगा ये आपका यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट होगा। यहाँ पर थोड़ा बाहर की साइड शफल करेंगे इसे सेम डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसके डुप्लीकेट और यहाँ पर पुट करेंगे। अब टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाने के बाद मैं एक बॉक्स लेता हूँ, तो यहाँ से मैं एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ और बॉक्स की एक बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लेस करता हूँ इस तरह से। सो बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर दो कनेक्ट हम प्लेस कर लेते हैं या फिर स्विफ्ट रूप से आप दो कनेक्ट यहाँ पर आप पुट कर लीजिए। सो इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे नीचे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो ये व्यू में जाता हूँ, एक और लाइन टूल लेता हूँ और एक लाइन टूल से मैं इस तरह से शेप क्रिएट करता हूँ और इस समय यहाँ से रेडियल करके इसकी जो थिकनेस है वो कम कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर इसी का एक और डुप्लीकेट बनाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा हैवी डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो इसकी एजेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक कनेक्ट, दो कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ स्लाइडली, यहाँ पर पुश करता हूँ, वर्टाइसेस में जाकर इसे स्केल कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ उसके और इसके पॉलीगन्स को मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह से। ये पार्ट आप और थोड़ा सा ये साइड में शिफ्ट कर सकते हो। एक और बॉक्स लेता हूँ, यहाँ पर एक प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से, स्केल कर लेता हूँ और सेम इसी को एक और के बाद इसी की एक और कॉपी बना लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, एजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स प्लेस कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाकर ये सेंटर एरिया को थोड़ा सा स्केल करेंगे इस तरह से, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो स्केल करने के बाद इसके पॉलीगन सेलेक्ट कर लीजिए आप एक बार। सो इसके पॉलीगन आप सेलेक्ट करके इसे थोड़ा सा इंसेट कर लीजिए और इसे ब्रिज कर लीजिए। तो आप इस तरह से इसे इंसेट और ब्रिज इजीली यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद ये सेम सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और इसके एजेस सेलेक्ट करके एक कनेक्ट पुट ऑन करता हूँ यहाँ पर, इसे स्केल करता हूँ, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो इसे ये सारे पैरामीटर्स सेलेक्ट करने इस तरह से, और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। सो पहले इसे डिलीट करेंगे। सारे पार्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सिस में और इसकी कॉपी बना लेता हूँ। सो ये तो डेफिनेटली आपने प्लेस कर लिया है। अब ये जो पार्ट है इसे सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पर, शफल कर लीजिए। इसके बाद टॉप व्यू में जाता हूँ लाइन लेता हूँ और एक लाइन जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इसकी थिकनेस कम रखेंगे और इसे ऊपर यहाँ पर शफल कर लेता हूँ। वाई एक्सिस में एक और कॉपी बना लेता हूँ इस तरह से। ये जो पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लेंथ में लंबा लग रहा है, तो मैं ये पार्ट को थोड़ा सा लेंथ में कम कर लेता हूँ और ये पार्ट को भी थोड़ा सा कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको और इसको आप अटैच कर लीजिए, इसको और इसको अटैच कर लीजिए और इसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। इसको एज इट इज आप प्लेस कर लीजिए और इतना जो आपने एरिया भी बनाया है इसे मैं तरह से यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ओके, सो इसके वर्टाइसेस को यहाँ पर शिफ्ट कर दो और इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दो। सो ओवरऑल मैं सेलेक्ट करता हूँ और अगर मुझे इसे स्केलिंग करना है तो मैं इसे स्केलिंग करवा सकते हैं। इसे सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर पुश कर लेता हूँ और यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, ऑटोग्रिड ऑन करता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर मैं हाइट सेगमेंट्स इंक्रीज कर सकता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके, सो मैं एक एक एरिया यहाँ से छोड़ देता हूँ और इसे बेवल कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल। इस तरह से इंसेट करता हूँ और स्लाइड बेवल कर लेता हूँ इसको, फिर इसे इंसर्ट करता हूँ और एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सो ये एरिया आप यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। आपको जितना भी डिटेल्स फिलहाल यहाँ पर हमें विजिबल हो रहा है उतनी हम डिटेल्स यहाँ पर फिलहाल जनरेट कर रहे हैं। ओके, सो फाइल सेव कर लीजिए। सो इसके थोड़े पॉलीगन्स में सेलेक्ट करके इसे ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और एक लाइन लेता हूँ ऑटोग्रेड ऑफ कर लेता हूँ और इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ। इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से वेरिएट अप करता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाकर थोड़ा सा आपको अगर इसको शिफ्ट करना है कहीं पे तो आप इजीली इस तरह से करवा सकते हैं। सो इसको यहाँ से मैं मिरर कर लेता हूँ इस साइड में। इसे ग्रुप कर लेता हूँ और इसकी एक और कॉपी बनाकर मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। सो जितनी डिटेल्स हमें यहाँ पर विजिबल हो रही है उतनी डिटेल्स हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। एक और लाइन टूल लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। एक और लाइन टूल तो इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे मैं रेडियल कर लेता हूँ। इसकी थोड़ी सी थिकनेस जो है, थोड़ी थिकनेस इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ और इसे मैं सेंटर में शिफ्ट कर लेता हूँ। इसकी जो लेंथ विड्थ है इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकता हूँ। एक लाइन टूल लेता हूँ, इस तरह से वर्टाइसेस को सेलेक्ट करके इसे फिलेट दे देता हूँ। यहाँ से काफी ज्यादा टाइम डेफिनेटली जा रहा है क्योंकि हम थोड़ा डिटेल पे काम कर रहे हैं इसे। सो एनेबलिंग व्यू पोर्ट करके इसकी जो लेंथ और विड्थ है तो थोड़ा सा शफल अप कर दीजिए। ओके फाइन। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट से प्लीज कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका पेंटोग्राफ ऑलमोस्ट पूरा रेडी कर लिया हमने यहाँ पर। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको कोई डाउट्स है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।